ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है, ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है, ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 14 जून को परीक्षा का रिजल्ट आना था, आया किस दिन आ गया? 4 जून को रिजल्ट आ गया। क्यों रिजल्ट आ गया? क्योंकि ये मीडिया वाले सारे ये लगे रहेंगे, हाँ जी मोदी जी इतने सीट आ गई, ये इतने जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, सुपर प्रधानमंत्री बन गए, ये जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में पूरा देश लगा रहेगा और भाजपाइयों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, भाजपा सरकारों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, एनटीए के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, शिक्षा मंत्री के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, शिक्षा मंत्रालय के मोदी सरकार के घोटाले की चर्चा नहीं होगी। इसलिए एनटीए ने जानबूझ के 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया। कब तक खामोश रहोगे आप? कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे? परीक्षा पेपर लीक हो रही है, अग्निवीर के नाम पर तुम्हारे साथ घोटाला किया जा रहा है, भारत माता का सीना छलनी किया जा रहा है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अग्निवीर बनाकर 4 महीने के नौजवान बनाकर आपके पेट और पीठ दोनों में छुरा मारा जा रहा है। जब भी चुनाव आता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे हमें लड़ाया जाता है, हमारा वोट दिया जाता है, मोदी जी का गुणगान किया जाता है, लेकिन देश के नौजवानों की बात नहीं होती। बिहार के जितेंद्र कुमार ने, जो एक दुखी बेटी के दुखी पिता है, मैं चाहता हूं उनके साहस के लिए एक बार आप लोग जरूर ताली बजाइए कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि कम से कम आज इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक स्थान पर आकर अपनी पीड़ा देश के प्रधानमंत्री को पहुंचाने का काम किया। आप सोचिए कितनी मुश्किल से, दिन रात परिश्रम करके, मजदूरी करके, किसानी करके, खेती करके, ऑटो चला के, रेड़ी की पटरी पर दुकान लगाकर एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है, सपना देखता है कि उसकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, समाज की सेवा भी करेगा और बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। मैं साथियों और दोस्तों, एक दिन पेट्रोल पंप पे अपनी गाड़ी में तेल भराने के लिए रुक गया, वहां पे पेट्रोल पंप का कर्मचारी मेरे पास आया और दुखी होके कहने लगा, मेरी बेटी कहती है, वो वीडियो भी मैंने डाला था, मेरी बेटी कहती है, पापा अब हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, कितनी मेहनत करें, कितनी परिश्रम करें, कितना सब कुछ करने के बावजूद ऐसा भ्रष्टाचार होता है, हमको तो उम्मीद नहीं है कि हमारा कभी दाखिला डॉक्टरी में हो पाएगा। ये पिता की पीड़ा है, ये बाप की पीड़ा है, ये कर्मचारी एक मजदूर की पीड़ा है। आप सोचिए, ये नीट के भ्रष्टाचार को, इसके घोटाले को, इसके पेपर लीक को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। साथियों, आप मुझे बताइए, 23,33,000 बच्चों ने इस नीट के एग्जाम में अपनी शामिल हुए, वो 23,33,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और वो नीट का एग्जाम देने के पहले उन्होंने कोचिंग किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई की, नीट का एग्जाम दिया। पूरे देश में कुल 1,00,000 बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सेलेक्ट होते हैं,
डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। और आपको जानकर हैरानी होगी, 67 बच्चों का 720 अंक आ गया। ये एग्जाम में घोटाला क्या है जरा समझ लेना, 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए, यानी कि 720 नंबर एक दो तीन चार बच्चों का नहीं, 67 बच्चों का 720 नंबर आ गया। 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। लोग हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है, 67 बच्चों का एक साथ टॉप कैसे कर गए। फिर और जांच हुई तो पता चला एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। फिर और पता चला, और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है, उसको फिजिक्स में मिला 1 नंबर। मीडिया वाले भी ध्यान से सुन ले, उस लड़की को मिला, उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एग्जाम में 1 नंबर। लेकिन नीट के एग्जाम में जो इतना कठिन एग्जाम होता है, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें 720 अंक मिल गया, 720 अंक मिल गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है, ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है, ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है, नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द करो। और इसमें घोटाला क्या है, आपको मालूम है, ये नीट की परीक्षा का रिजल्ट जो आना था, ये आना था 14 जून को परीक्षा का रिजल्ट आना था। आया किस दिन, किस दिन आ गया, 4 जून को रिजल्ट आ गया। क्यों रिजल्ट आ गया, क्योंकि ये मीडिया वाले सारे ये लगे रहेंगे, हाँ जी मोदी जी इतने सीट आ गई, ये इतने जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, सुपर प्रधानमंत्री बन गए, ये जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के गुणगान में पूरा देश लगा रहेगा और भाजपाइयों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, भाजपा सरकारों के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, एनटीए के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, शिक्षा मंत्री के पेपर लीक की चर्चा नहीं होगी, शिक्षा मंत्रालय के मोदी सरकार के घोटाले की चर्चा नहीं होगी। इसलिए एनटीए ने जानबूझ के 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया। मैं पूछना चाहता हूं, पहली जांच तो इसी बात की होनी चाहिए कि किस घोटाले को दबाने के लिए 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया, नंबर एक। और नंबर दो, मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कब तक खामोश रहोगे आप, कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे। परीक्षा पे लीक हो रही है, अग्निवीर के नाम पर तुम्हारे साथ घोटाला किया जा रहा है, भारत माता का सीना छलनी किया जा रहा है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निवीर बनाकर, 4 महीने के नौजवान बनाकर आपके पेट और पीठ दोनों में छुरा मारा जा रहा है, कब तक खामोश रहोगे आप। उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया पुलिस भर्ती के नाम पर, वहां पेपर लीक हो गया। कभी बिहार में पेपर लीक होता है, कभी गुजरात में पेपर लीक होता है, कभी राजस्थान में पेपर लीक होता है, कभी हरियाणा में पेपर लीक होता है, कभी महाराष्ट्र में पेपर लीक होता है। 4-5 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है पेपर लीक से। कितने बच्चों का, 2 करोड़ बच्चों का, 2 करोड़ बच्चों का। और अगर 5 आदमी का भी परिवार मान लीजिए तो करीब करीब 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं, 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन हमारी संवेदनाएं शायद मर गई हैं, हमें शायद गुस्सा नहीं आता। जब भी चुनाव आता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे हमें लड़ाया जाता है,
हमारा वोट किया जाता है, मोदी जी का गुणगान किया जाता है, लेकिन देश के नौजवानों की बात नहीं होती। बेरोजगारी का सवाल नहीं उठता, उनके भविष्य का सवाल नहीं उठता। तो मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, छात्रों से भी कहना चाहता हूं, कब तक आप इनकी गुलामी करोगे? कब तक इनकी मानसिकता के पीछे जिंदाबाद लगाते रहोगे? उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो। देश की सड़क पे हमने आपकी आवाज बुलंद की है। सदन 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 27 तारीख से राज्यसभा शुरू होगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इस देश के उन परिवारों को जो दुखी हैं, इस देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान है, जो पीड़ित है, देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। अपने अपने स्तर पे आवाज उठाइए। कब तक आप इन नकली सवालों में उलझे रहेंगे? देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में जाता है तो 7 लाख बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हुआ, पुलिस भर्ती के नाम पर उत्तर प्रदेश में, उसकी चर्चा नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो गुजरात के अंदर जो पेपर लीक के कारण नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ, उसकी चर्चा नहीं करते। देश का प्रधानमंत्री हरियाणा के नौजवान के साथ जो विश्वासघात होता है, उसकी चर्चा नहीं करते। महाराष्ट्र के नौजवान के साथ जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी चर्चा नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री कभी मुगल की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मुद्रा की बात करते हैं। शर्म आती है भारत के प्रधानमंत्री को, नौजवानों की चिंता नहीं है। तुम्हारे अंदर अगर चिंता खत्म हो गई है तो अभी तक तुमको 240 पे पहुंचाया है। इस देश की जनता फिर से तुमको 2 सीटों पर पहुंचाने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी, चिंता करो नौजवानों की, चिंता करो किसानों की, चिंता करो महंगाई की, चिंता करो बेरोजगारों की, चिंता करो इस देश में किसानों को MSP नहीं मिलती। देश को तुमने बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया और नकली मुद्दों पर देश के उन लोगों को उलझा कर रखते हो। हमारा ये विरोध है और इस बात के लिए आज हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी हम लोगों ने नीट के सवाल को लेकर आंदोलन किया था। कल पूरे देश का आह्वान किया है, कल पूरे देश में आम आदमी पार्टी नीट के एग्जाम के सवाल को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। हमारी सीधे तौर पर मांग है कि जिन लोगों ने NTA के जिन अधिकारियों ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर जहां जहां घपला और घोटाला हुआ है, सबको सिर्फ सजा ही नहीं होनी चाहिए, इनको ऐसी सजा होनी चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस बात को याद करें कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है।